दोस्तों को छुट्टी हो, बारिश का मौसम हो, घूमने का प्लान ना बने ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम भी आ गए थे घूमने के लिए एक एग्रो टूरिज्म में। ये लोकेटेड था नेरल में, जो कि कल्याण से रफली अबाउट 45 किलोमीटर था। काफ़ी बड़ा एरिया था, टोटल 4.5 एकर्स का ये पूरा टोटल एग्रो टूरिज्म का एरिया है। तो एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छे दो तीन एक्टिविटीज़ है जो मैं आपको आगे बताऊँगा। हालांकि हम वो नहीं कर पाए क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा था। ये था उनका पार्किंग एरिया और यहाँ पे काफ़ी गेस्ट अकोमोडेट हो सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, टोटल 10 रूम्स है। रूम टूर भी आपको आगे देंगे। सामने आप देख सकते हैं ये है फिश पॉन्ड, यहाँ पे फिश आप पकड़ सकते हैं उनको बोल के, एंड आप वो फिश फ्राई करके खा भी सकते हैं। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना रहता है। ये एक्टिविटी हमने मिस कर दिया था क्योंकि बारिश काफ़ी हो रहा था एंड यहाँ पे गेस्ट भी ज़्यादा थे। यहाँ पे वन डे पिकनिक्स भी रहता है। ये था तिलापी फिश। इधर फिश खाने का एक खास बात है क्योंकि पॉन्ड से निकलने के बाद विद इन एन आवर वो आपको फ्रेशली आपके टेबल पर सर्व हो जाता है, इसके लिए अच्छा था। ये थे उनके कुछ 4 रूम्स जो कि पॉन्ड फेसिंग थे, पॉन्ड एकदम सामने का आप देख सकते हैं। ईच रूम कैन अकोमोडेट इजीली अप टू 7 पीपल्स, सो आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आप 20 का ग्रुप आइए, 50 का ग्रुप आइए, टोटल 10 रूम्स है। बहुत जन डे पिकनिक के लिए भी आते हैं। प्राइसिंग एंड एवरीथिंग मैं आपको बाद में बता दूंगा, वो आप आगे देख सकते हैं। यहाँ का पूरा एरिया पूरा लजबिन फॉरेस्ट पकड़ के चलो, फॉरेस्ट है क्योंकि काफ़ी पेड़ है एवरीथिंग। हमने ऑर्डर किया था चिकन कोली वाड़ा एंड टेस्ट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बेसिक होम का जो फूड बनता है वैसे मिलेगा, प्रॉपर रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है। घर का खाना बनता है, जो लोकल्स रहते हैं वो बनाते हैं। इनका मेन अट्रैक्शन था स्विमिंग पूल जो कि काफ़ी बड़ा था। ये था उनका फर्स्ट विंग जो आप एंटर करते ही, यहाँ पे आपको डाइनिंग एरिया एज वेल एज आपने जो देखा वो किचन था, ये था डाइनिंग एरिया। यहाँ पे भी आराम से 100 ऑफ पीपल ईजिली अकोमोडेट हो सकते हैं। तो सुबह का नाश्ता करने के लिए हम पहुँच चुके थे डाइनिंग एरिया में। नाश्ते में था मिसल पाव एंड भुर्जी। टेस्ट यहाँ का काफ़ी अच्छा है क्योंकि लोकल जाके यहाँ पे ही बनाते, फ्रेशली मेड रहता है, उस वजह से ज़्यादा और टेस्ट आता है। खाने के बाद में नो डाउट काफ़ी अच्छा था। हम लोग ने पूरा पैकेज लिया था विच कॉस्टेड अस अराउंड 1700 और 1800, इंक्लूडिंग जो हमने एक्स्ट्रा फूड जो ऑर्डर किया था लाइक चिकन कोली वड़ा, फिश एंड एवरीथिंग विद ऑल 3 मील्स। फर्स्ट आपको लंच, देन हाई टी रहता है, स्नैक्स नहीं रहता है। सेकेंड आपका डिनर एंड थर्ड आपका जो चेकआउट के टाइम का ब्रेकफास्ट रहेगा वो। सो आप ये एंजॉय कर सकते हैं। फूड यहाँ का काफ़ी अच्छा है, कोई ऐसा इशू नहीं कि फूड में आपको कुछ कंप्लेंट आई है। यहाँ पे डे पिकनिक वाले भी काफ़ी लोग आते हैं, स्पेशली वीकेंड में काफ़ी भीड़ रहता है। अगर आपको प्रॉपरली एंजॉय करना है मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वीकडेज में आइए, जिससे आपको डे पिकनिक के भी भीड़ कम रहेगी एंड स्टे के भी। एंड यह था पहले के 2 स्टार्टिंग रूम्स, नीचे ऊपर टोटल थे 3 रूम्स, यहाँ पे थे 5 रूम्स, सामने आपने देखे थे 4 रूम्स एंड और 2 रूम्स भी थे 11 रूम्स के आसपास है। ये था उनका पूल। पूल काफ़ी बड़ा था विच वॉज रफली अराउंड 20 फीट बाय 10 फीट, काफ़ी अच्छा था। ये हमारे कुछ एक्सपर्ट डाइवर्स मस्ती करते हुए पूल में काफ़ी एंजॉय किया हमने। आप आगे देखेंगे वीडियो में कि कितना एंजॉय किया था पूल में। एक अच्छा बात था कि पूरा पूल हम लोग के लिए डेडिकेट हो चुका था क्योंकि सब लोग पूल में खेलने गए थे, हम काफ़ी लेट पहुँच चुके थे। यहाँ पे हम एंजॉय कर रहे थे काफ़ी अपना टाइम। मैं आपको जरूर रिकमेंड करता हूँ, आप 8 to 10 पीपल आएंगे एंड थोड़ा इवनिंग जैसा आप 2-3 बजता है खाना खाने का टाइम रहता है, उस टाइम पे सब लोग पूल से बाहर चले जाते हैं, पूरा पूल आपका रहता है, फिर आप काफ़ी मज़ा कर सकते हैं। और ये हमारे कुछ अतरंगी देख सकते हैं काफ़ी मज़ा करते हुए। आगे भी आपको वीडियो में मिलेंगे ये लोग। तो ये पूरा ग्रुप था, हम हमारा गेम्स खेल रहे थे। बारिश बाद में काफ़ी तेज़ हो गया था जिससे और भी काफ़ी अच्छा लगने लग गया था क्योंकि जब बारिश गिर रहा था पूरे जगह पे ग्रीनरी था एंड इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि आजू बाजू में कुछ नहीं है, सिर्फ पेड़ ही पेड़ है। 4.5 एकर्स में उतना ही कंस्ट्रक्शन है जितना मैंने आपको बताया, उसके बाद पूरा फॉरेस्ट जैसा ही एरिया उन्होंने रखा है। साइड में आपको रेन डांस का भी फैसिलिटी है, वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। पूल रात को 12 बजे तक चालू रहता है, सो नो प्रॉब्लम। मॉर्निंग 7 o'clock से 12 o'clock तक आप पूरा टाइम एंजॉय कीजिए, कोई नहीं बोलेगा। हम भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और पूल यहाँ का मेन अट्रैक्शन है क्योंकि काफ़ी बड़ा होने के रीज़न है कि आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं, अलग अलग गेम्स खेल सकते हैं एंड कोई नहीं था उससे और मज़ा आ गया था। तो काफ़ी एंजॉय किया पूल में, खाना काफ़ी अच्छा था। आगे मिलते हैं आपको, मैं वीडियो में रूम टूर देता हूँ और बाकी की भी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। वैसे इस एग्रो टूरिज्म का नाम है कृष्णा जी एग्रो टूरिज्म विच इज़ लोकेटेड इन नेरल। काफ़ी अच्छा है, आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, ऐसा मेरा रिकमेंडेशन रहेगा क्योंकि ये प्लेस इतना अच्छा वाइब देता है, आपको एक प्रॉपर गांव में ऐसा फील होता है क्योंकि ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं है, आजू बाजू में सब पेड़ है एंड एवरीथिंग, एंड बस खेलते रहो, मज़े करते रहो।
आप भी देख सकते थे, हम लोग भी खेले जा रहे थे, पानी से बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। अगर उस पर बारिश हो रहा है तो भाई क्या ही बात, आप बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि इतना मजा आता है गेम खेलने में, वो बारिश में बारिश गिर रहा है, आप स्विमिंग पूल में हो, और क्या चाहिए लाइफ में भाई। संडे के दिन, सैटरडे के दिन यही मजा चाहिए, जो आपको आपके मोमेंट्स याद रख सकते हैं आप पूरा लाइफ टाइम के लिए। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप ये मिस मत कीजिए। टाइम हो चुका था डिनर का, हम भी आ चुके थे, डिनर में भी काफ़ी वैरायटी था, वेज एंड नॉन वेज दोनों भी रहते हैं, आपके ऊपर आपका चॉइसेस क्या आपको लेना है। आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत क्रैकर्स है, और यहाँ पे भाकरी मिलेगा, चपाती वगैरह नहीं मिलता है, ये चीज़ याद रखिए। ग्रेवी कॉमन रहता है, मीन्स अभी तो रात के टाइम में 2 बजे था, जब लंच करोगे तब ग्रेवी कॉमन रहेगा, एंड आपको चिकन अलग से सूखा में मिलेगा। ये था मटर पनीर, अभी ये मेरा दोस्त था जो वेज था, जिसने चिकन लिया ही नहीं, फिर हमने कुछ लेके स्टार्ट कर दिया खाने के लिए। खाना रात का भी काफ़ी अच्छा था, नो डाउट, मुझे तो काफ़ी पसंद है यहाँ का फूड, यहाँ का एनवायरनमेंट, इट वर्थ विजिटिंग। आप ज़रूर आइए, डे पिकनिक कीजिए अगर आपको नई छुट्टी मिल रहा है। डे पिकनिक में भी आपको सब एक्सेसिबल है, आपको लॉकर्स दिए जाते हैं जो कि डाइनिंग एरिया में है, तो आप आपका लगेज जो भी रहेगा रख सकते हैं, एंजॉय कीजिए, पूल वगैरह खाना वाना खाइए, एंड देन आप लॉकर से जो भी रहेगा एक्सचेंज वगैरह करके, सामने आपने देखा था वॉशरूम जाने है, चेंज करके आप निकल जाइए। डे पिकनिक का फ्रेंड होता है, यहाँ पे स्वाइप मशीन भी है, सबका कार्ड भी चलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको रूम टूर देते हैं कि रूम कैसे, रूम काफ़ी अच्छे थे, स्पेशियस थे, 7 पीपल इजीली आप अकोमोडेट हो गए, बेड पे 3 जन अकोमोडेट होते, नीचे आपको मैट्रेस डाल के आप आराम से सो सकते हैं। वैसे बता दूं कि ये पूरा एसी रूम थे, देख सकते हैं यहाँ पे 2 रूम है और बाकी के रूम्स नीचे थे। ये था रूम, दिन भर भाई लोग का खाना ही चलता, टीवी है, ऊपर बेड है, यहाँ पे 3 बेसिक है, एसी है, अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम है, एंड कुछ विंडो से ये व्यू है, आप देख सकते हैं भाई, और क्या ही चाहिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, टिल देन बाय।